नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गोत्र क्या है, गोत्र का पता ना होने पर किस गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। सर्वप्रथम गोत्र किसे कहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गोत्र अर्थात आपकी पहचान, आप किस ऋषि की संतान हैं। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो गोत्र का अर्थ होता है गाह त्रायते इति गोत्रः। गा के दो अर्थ होते हैं, एक गायें और दूसरा इंद्रियां। पाणिनि जी ने अपने व्याकरण सूत्र में भी कहा है अपात्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अर्थात आप किस ऋषि की संतान हैं उसे ही गोत्र कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपने गोत्र के विषय में पता ना हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पूजा पाठ में आपके गोत्र का उच्चारण जरूर किया जाता है। अब गोत्र के पता ना होने पर क्या करना चाहिए, तो इस समस्या का समाधान भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। चंद्रिका हेमाद्री भविष्य पुराण आदि में कहा गया है गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काश्यपम गोत्रमुच्यते तस्मादाह श्रुति सर्वाः प्रजाः कश्यप संभवाः। अर्थात जिनको अपने गोत्र के विषय में पता ना हो उन्हें कश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वेद श्रुति आदि यही कहती हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वह सब कश्यप मुनि की संतान हैं। इसलिए जिन्हें अपने गोत्र का पता ना हो उन्हें कश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। मित्रों, ऐसी ही ज्योतिष एवं ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।